एवरीवन, मैं हूं ज्योति अस्मिता गर्ल. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय. अभी बज रहे हैं रात के 12:40 होने वाले हैं और अभी मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ. किचन का काम निपटा लिया, वर्कआउट कर लिया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है और एकदम फ्री होके मैं बैठी हूँ. करूंगी आज मैं अपना ग्लो अप. मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि हफ्ते 10 दिन में एक बार छोटा सा 2-3 स्टेप्स का ग्लो अप सेशन कर लूँ ताकि स्किन थोड़ी सी चमकती रहे. और अभी क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला है भाई, लखनऊ में तो बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और ऐसे में मेरी स्पेशली मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, तो ऑयली स्किन और ज़्यादा ऑयली होती है जिसकी वजह से पोर्स क्लॉग्ड होना, ब्लैक हेड, वाइट हेड, ये सब होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है. तो मैं वेदर के अकॉर्डिंग ट्राई करती हूँ कि हफ्ते 10 दिन में एक बार छोटा सा ग्लो अप सेशन कर लिया जाए. एंड बहुत इलैबोरेट नहीं होता क्योंकि 1 घंटे का टाइम नहीं स्किन केयर में देने का मेरे पास, स्पेशली आफ्टर बेबी. तो 2-3 स्टेप्स का सिंपल सा ग्लो अप सेशन होता है लेकिन अच्छा ग्लो आ जाता है स्किन पर, स्किन अच्छी खासी क्लीन भी हो जाती है. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. ओके, बाय द वे, तो सुबह मैंने जो है अपना फेस वगैरह वॉश किया था, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. उसके बाद से दिन भर घर के काम, बच्चे को संभालना, वर्कआउट करना, ये सब कर लिया और अभी तक मैंने मेरे फेस को वॉश नहीं किया था. तो लेट मी शो यू कि मेरे फेस पे इस समय अच्छा खासा ऑयल है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे फेस पे अच्छा खासा ऑयल है, स्पेशली मेरी टी जोन, क्योंकि काफ़ी ऑयली मेरा टी जोन जो है, ये ज़्यादा ऑयली रहता है. तो बहुत ज़्यादा फेस पे ऑयल है, स्वेट है. एज यू कैन सी, आप देखो, आपको छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे होंगे ऑयल के यहाँ पे. तो सबसे पहले मैं वॉश करूँगी मेरे फेस को. और फेस को वॉश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ये मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश. इस पर डिटेल में मैंने आई थिंक 2 महीने पहले रिव्यू बनाया था और तब से मैं इसको ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ. स्पेशली मेरे ये जो ग्लो अप सेशन है आप कह सकते हो, उसमें मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गर्मी है और ये मुल्तानी मिट्टी वाला फेस वॉश है ना, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. क्योंकि एक तो इसमें मुल्तानी मिट्टी है, हम सबको पता है कि मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब करता है और साथ ही साथ में एक्ने वगैरह को भी थोड़ा सा ड्राई करने का काम करता है. उसके साथ ही साथ में इसमें बुल्गेरियन रोज का यूज़ करा गया है जो कि स्किन को काफी अच्छे से हाइड्रेट करता है. व्हाट आई लाइक अबाउट दिस फेस वॉश ना, कि ये स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देती है लेकिन स्किन को ड्राई नहीं करती है. तो बस मैं फटाफट से इसको अप्लाई करके अपने फेस को पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ. बाय द वे, अगर आपको इसका बिल्कुल डिटेल भी रिव्यू देखना है ना, तो वो वीडियो में लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा. जैसा आपने देखा इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल थिक सी है, जस्ट लाइक अ मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक काइंड ऑफ. तो बहुत ही थोड़ा सा मैंने लिया आपने देखा और उतने में ही मेरा पूरा काम हो जाएगा. तो 40 सेकेंड्स ज्यादा से ज्यादा मैं इसको मसाज करके एंड देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी. तो फेस को मैंने वॉश कर लिया है और अभी मेरी स्किन अच्छे से क्लीन हो गई है लेकिन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही. तो ये एक ऑयल फ्री फेस वॉश है, उसके बावजूद ये स्किन को ड्राई नहीं करता, साथ में हाइड्रेट भी करता है. तो अगर आप एक ऑयल फ्री फेस वॉश देखो, स्पेशली गर्मियों के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए ना, तो ये फेस वॉश जरूर ट्राई करिए. मैं लास्ट, जैसा मैंने बताया कि लास्ट 2 महीनों से मैं इसको ऑन एंड ऑफ यूज़ कर रही हूँ एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. 2 महीने क्या मतलब, जो मैंने रिव्यू किया था उसके पहले से ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बट फॉर योर रेफरेंस, मतलब जो डिटेल्ड रिव्यू था उसके बाद से अगर मैं बताऊँ तो ऑन एंड ऑफ 2 महीने तो आराम से हो चुके हैं. तो फेस अभी मेरा अच्छे से ड्राई हो गया है लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मुझे खिंचा खिंचा सा फील नहीं हो रहा है. सेकेंड स्टेप है फेस पैक अप्लाई करना. उसके लिए मैं मामाअर्थ का ये मुल्तानी मिट्टी फेस पैक यूज कर रही हूँ. इस पर मैंने कोई डिटेल में वीडियो तो अभी तक नहीं बनाई, बट हाँ मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इसका रिव्यू करते हुए, आप चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. तो ये भी गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा लगता है मुझे एंड क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो आई लव यूजिंग मुल्तानी मिट्टी वाले प्रोडक्ट्स, मुल्तानी मिट्टी वाले फेस पैक. इवन यार बचपन में भी हमने अपने अपने घरों में काफी यूज होते हुए देखा होगा ना, DIY मुल्तानी मिट्टी फेस मास्क, उसमें रोज वाटर या फिर मिल्क ये सब मिला के मम्मी लोगों को, अपनी बड़ी बहनों को, नानी दादी. तो बहुत मैंने तो बहुत देखा, इवन मैंने बहुत किया भी है DIY मुल्तानी मिट्टी से, लेकिन स्पेशली बेबी के बाद पॉसिबल नहीं है, मैं कोई भी DIY नहीं कर सकती. तो जो रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स होते हैं अच्छे वाले, मैं उनका यूज करती हूँ. तो बस अभी मैं मेरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूंगी, इसके एक अच्छी सी पतली सी लेयर
एंड क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसको 15 मिनट्स के लिए रखूंगी, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है और फिर भी आप मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक यूज करना चाहते हो तो इसको आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि लाइक अदर क्ले मास्क ये स्किन को ड्राई नहीं करता है। बट सजेशन सिर्फ इतना दूंगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई साइड में है तो आप इसको 15 मिनट ना रख के 7 to 10 मिनट्स, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, 7 to 10 मिनट्स रखिए, दैट्स इट। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको वीक में 2 बार आराम से यूज कर सकते हो, ड्राई स्किन है तो 1 बार इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो बस इसकी एक अच्छी सी लेयर में अप्लाई कर लूंगी, डंडनाडन। अब बस 15 मिनट वेट करूंगी एंड नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश करती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ। तो फेस को मैंने वॉश कर लिया और अभी कुछ भी नहीं अप्लाई किया है मेरे फेस पे, एकदम ड्राई हो गया है मेरा फेस एंड बिल्कुल भी रूखा सूखा फील नहीं हो रहा है। तो ये जो फेस पैक है, डिस्पाइट बीइंग अ मुल्तानी मिट्टी या फिर क्ले बेस्ड फेस पैक, ये स्किन को बिल्कुल भी नहीं ड्राई करता है। तो कोई भी स्किन टाइप वाले हो आराम से गर्मी में तो इसको यूज कर ही सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ड्राई करता है। एंड आप देख सकते हैं लाइक मेरी स्किन कितनी अच्छी क्लीन एंड ग्लोइंग लग रही है, स्पेशली जो मेरा टी जोन है जो कि ब्लैक हेड प्रोन है, कितना अच्छे से क्लीन लग रहा है। क्योंकि जो क्ले बेस्ड फेस पैक होते हैं ना, ये स्किन को हल्का से एक्सफोलिएट भी करते हैं, मतलब डेड स्किन को भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं, तो स्किन अच्छी ब्राइट ग्लोइंग एंड क्लीन लगती है एंड काफी अच्छा लग रहा है मुझे। जितना भी एक्सेस ऑयल स्वेट ग्राइंड था सब कुछ निकल गया है, स्किन काफी फ्रेश एंड ग्लोइंग फील हो रही है मुझे। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर नॉन ड्राइंग जैसा मैंने बताया, तो इसे डेली आराम से यूज कर सकते हैं एंड दे आर सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री, मतलब इनमें कोई भी पैराबेंस या फिर हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है। आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइस बता दूं, तो फेस वॉश आता है 259 रुपीज का और फेस पैक आता है 349 रुपीज का। और हमेशा की तरह आपको मामाअर्थ की वेबसाइट या उनके ऐप पे मेरा कूपन कोड यूज करने से उनके किसी भी प्रोडक्ट पे 20% का ऑफ मिल जाएगा, कूपन कोड यहाँ स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर दिया है। और इन प्रोडक्ट्स को या फिर मामाअर्थ के किसी भी प्रोडक्ट को आप बाई कर सकते हो मामाअर्थ की वेबसाइट से, उनके ऐप से, अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट। और उसके अलावा अब मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट है वो आराम से ऑफलाइन भी अवेलेबल है। मैंने अपने नियर बाय स्टोर से बहुत सारे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स देखे हुए हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने भी देखे होंगे। नहीं देखे और अगले टाइम देखेंगे ना तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। बता दूं आपको कि मामाअर्थ हैज टेकन प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, मतलब जब भी हम उनकी वेबसाइट से कुछ बाय करेंगे तो हमारे ऑर्डर को वो लिंक करेंगे ट्री से जिसे वो प्लांट करेंगे, एंड दे हैव एम टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज बाय 2025। और लास्ट स्टेप है फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का, तो जो भी मेरा यूजुअल रेगुलर मॉइस्चराइजर है उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरा ग्लो अप सेशन तो कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि फिलहाल मेरी स्किन कितनी क्लीन फ्रेश ग्लोइंग लग रही है। तो या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और इन प्रोडक्ट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए, आप चेक कर लीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।